ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक्सेस 10.4 शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बोलता है, टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉमन कॉर्ड। तो भाई दो सर्कल हैं, एक का रेडियस 5 है, एक का 3 है, बनाते हैं। तो ये बड़ा वाला सर्कल बनाया जिसका सेंटर ओ है और रेडियस 5 है। तो एक छोटा सर्कल बनाते हैं, छोटा सर्कल ये बनाते हैं, छोटा सर्कल और छोटा ठीक से बनाते हैं। ये ऐसा कुछ होगा, मान लो छोटा सर्कल है और इसका सेंटर है ओ डैश, ठीक है। ये छोटा सर्कल का जो सेंटर है वो बड़े सर्कल के अंदर इसलिए है क्योंकि इसका जो रेडियस है वो इन दोनों सेंटरों के डिस्टेंस से कम है। इन दोनों सेंटरों का डिस्टेंस है 4 और छोटे सर्कल का रेडियस है 3, तो यानी कि वो बड़े सर्कल के अंदर ही आएगा उसका सेंटर। तो ओ डैश यानी दोनों सेंटरों का, दोनों सर्कलों के सेंटरों का डिस्टेंस है 4 और ये पॉइंट है आपका जिस पॉइंट पे काट रहे हैं ए और बी, और ये है कॉमन कॉर्ड ए बी जो कि सेंटर से ये गुजर रही है, ठीक है। अब देखो ये ओ जो है ये यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम करेगा कॉर्ड ए बी पे, तो इसको हम यहाँ एम मान लेते हैं। मान लो एम, तो ए एम जो है वो एक तरह से के परपेंडिकुलर है इसके, किसके, ए एम, या फिर बोल सकते हैं ये पूरा ए एम जो है ये 90 डिग्री बना रहा है ओ डैश के साथ। यहां तक समझ लो, ठीक है भाई, पता है ना ये ए बी एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है कॉमन कॉर्ड, इसी की तो लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो इस ए बी कॉर्ड पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है ए एम, तो ए बी इज परपेंडिकुलर टू, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ एम, ओ और एम, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। ए बी एक कॉर्ड है, उस पे सेंटर से गुजरता हुआ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिसको हमने एम नाम दे दिया एम। हमें इसका ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, ए बी की लेंथ। तो देखिए भाई ये 4 है और ये ओ ए क्या है, ओ ए, ओ ए बड़े सर्कल का रेडियस ही तो हो गया, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो लेंथ होती है वो रेडियस कहलाती है। तो बड़े सर्कल का रेडियस कितना है 5, तो ये है 5 और दोनों सेंटरों के बीच का डिस्टेंस कितना है 4। तो ए एम हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। देखो कैसे, इस वाले ट्रायंगल को विजुलाइज करो, ओ ए और एम, ये जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ ना, इस वाले ट्रायंगल को विजुलाइज करो ओ ए एम, और इसमें ये एंगल एम 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सेंटर से गुजर रही है लाइन तो कॉर्ड पे जो जाती है वो परपेंडिकुलर ही होती है। तो हम जब इस ट्रायंगल में जो ऑरेंज मैंने किया है ओ ए एम में, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ओ ए का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, यही होगा। तो ओ ए कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ओ एम कितना है ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 यानी कि 16, क्वेश्चन में दे रखा है ना दोनों सेंटरों का डिस्टेंस 4 है 16, और ए एम यानी कि ये जो हमें कॉमन कॉर्ड है उसका हाफ, तो हम निकाल लेते हैं स्क्वायर एम स्क्वायर। तो 16 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ से ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ए एम हो गया प्लस माइनस 3, पर साइड नेगेटिव में नहीं हो सकती तो 3। तो ए एम जो है यहाँ से यहाँ तक 3 है और हमें पूरी निकालनी है ए बी। अब एक बात बताओ, जो भी सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन जाती है, ये हमारी थ्योरम थी, जो भी सेंटर से इस कॉर्ड ए बी पे जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है वो उस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो जब ये वाला आधा हिस्सा 3 है तो ये भी 3 होगा, तो 3 + 3 = 6, और यही है लेंथ पूरी ए बी की और यही है लेंथ कॉमन कॉर्ड की क्योंकि ए बी ही कॉमन कॉर्ड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका फर्स्ट, और ये समझ लेना इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, पाइथागोरस लगी है तो आधी की निकल गई थी, तो आधी का डबल 6, 3 + 3 = 6, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, एक्सरसाइज 10.4 का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद द सर्कल विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। तो देखो इस क्वेश्चन में पता है प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन अपना वही बेसिक अपने रूल्स और बेसिक्स पे ही है, कुछ नया कुछ नहीं आ रहा आसमान से उतर के, पर चक्कर है इसमें बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, तो इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने के भी पूरे चांस है। तो देखो करते हैं, कह रहा है अगर एक सर्कल के अंदर इफ टू इक्वल कोर्ड्स, एक इक्वल कोर्ड्स है, दो इक्वल कोर्ड्स है सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट हो रही है, ये है सबसे पहली बात। तो हम एक सर्कल बनाएंगे यहाँ पर, ये बना दिया हमने सर्कल, और दो इक्वल कोर्ड है, तो एक इक्वल कोर्ड कोर्ड ब्लू कलर से बना लेते हैं, एक कोर्ड यहाँ पर आ गई इंटरसेक्ट हो रही है ना, इंटरसेक्ट, तो एक कोड यहां बना देंगे
एक कोड यहाँ बना देगी, इंटरसेक्ट हो गई यहाँ पर, नाम भी दे दो इनका, इसका ए और बी दे दो, इस वाली कोड का, इस वाली कोड का सी और डी दे दो, ठीक है जी। और क्या क्या है, सेंटर को ओ मान लो, आगे चलो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ई मान लो। अब आगे चल पढ़ते हैं क्वेश्चन, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कोड। अब ये जो सेंटेंस है बच्चे समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या है। तो सेगमेंट ऑफ वन कोड का मतलब ये है, मतलब सेगमेंट, एक कोड का सेगमेंट इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। मतलब ये कि ये कोड है ना ए बी, जो कोड है इसका सेगमेंट ए ए ये इक्वल है दूसरी कोड के सेम सेगमेंट के। तो दूसरी कोड सी डी है और उसका भी सेगमेंट ये बड़ा वाला सेगमेंट, जैसे यहाँ पर ए ई बड़ा वाला सेगमेंट है ना, ये बड़ा वाला हिस्सा ए बी कोड का, बड़ा वाला हिस्सा ए ई है, तो ऐसे सी डी कोड का बड़ा वाला हिस्सा ए डी, ये दोनों बराबर है। और दूसरा सेगमेंट ए बी कोड का छोटा वाला हिस्सा ए बी और सी डी कोड का छोटा वाला हिस्सा सी। तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव, समझ आ गया, ये प्रूव करना है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो क्वेश्चन तो अब हम समझ चुके हैं, अब बात यह है कि हमें ये जो चीज है ये प्रूव करें कैसे हम, कि ए इज इक्वल टू ई डी और ई बी इज इक्वल टू सी, ई बी या बी जो मर्जी बोल लो, ई बी या बी, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है, आप कैसे प्रूव करेंगे, तो अब देखिए आप प्रूव करने का तरीका देखते जाइए, गौर से सुनते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओ हमारा सेंटर है, ए बी हमारा कोर्ड है, तो इस सेंटर से हमने इस ए बी कोर्ड पे एक परपेंडिकुलर डाला, डाल दिया परपेंडिकुलर, ऐसा एंगल बना दिया 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री पे ही बनेगा। सिमिलरली और जहाँ ही परपेंडिकुलर डाला वहां पर लिख दो एम, एम लिख दिया। सिमिलरली इसी ओ से, ये जो ए की ओ है सेंटर, उससे इस सी डी कोड पे भी इस परपेंडिकुलर डालो, तो यहाँ भी डाल देते हैं भाई, ये डाल दिया, और जहाँ ये डाला वो लिख दो एन, तो ये एम, ये एन। अब एक काम करो, ये जो ओ ई है, ये जो ई इंटरसेक्शन ऑफ टू कोड्स है, इसको भी सेंटर से मिला दो। यहाँ तक बात समझ आ गई, ये कंस्ट्रक्शन का काम है आपका। अब हम क्या करेंगे, हमारे ध्यान रखना, हमें प्रूव ये करना है ए इज इक्वल टू ई डी, ई बी इज इक्वल टू सी, हमारा काम ये है। अब देखो, अब गौर से सुनना, अब हमारा ये जो ये ट्राइंगल इमेजिन करो ओ एम ई, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना ग्रीन कलर से, इस वाले ट्राइंगल को विजुलाइज करो, ओ एम ई ये छोटा सा, दूसरा ये जो मैं पिंक कलर से कर रहा हूँ ओ एन ई, ओ एन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ से बना देता हूँ। तो ये जो दो ट्राइंगल है ओ एम ई ग्रीन वाला और ओ एन ई पिंक वाला, पहले इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो चलो करते हैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव। तो हमें पता है कि ओ एम ई इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई, ओ एन इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, तो हमें पता है सबसे पहले तो ये ओ ई दोनों में कॉमन है, तो ओ ई इज कॉमन, लिख दो भाई ओ ई कॉमन है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आराम आराम से, ओ ई कॉमन है। दूसरी बात भाई, ये जो ट्राइंगल है ग्रीन वाला, इसमें ओ एम ई एंगल ओ एम ई और ये पिंक वाले ट्राइंगल में ओ एन ई, ये दोनों इक्वल है, क्यों, परपेंडिकुलर है, दोनों ही 90 डिग्री है, ओ एन ई दोनों ही परपेंडिकुलर है या फिर 90 डिग्री हम बोल लो। तो एक तो ये हमें साइड मिल गई, एक ये 90 डिग्री का एंगल मिल गया। अब दूसरी बात देखो, एक और चीज ओ ई कॉमन है और ये दोनों और ये है। अब एक और चीज इसमें गौर से देखो, वैसे तो हमें ये देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, राइट। एक होती थी ना आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल पता है ना तुम्हें, ठीक है। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल कहती थी कि हाइपोटेनस साइड और एक और साइड, दो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनस की लेंथ और एक और दूसरी लेंथ कॉरेस्पॉन्डिंगली दोनों ट्राइंगल में अगर इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हम बोल सकते हैं। इसमें हाइपोटेनस दोनों की हाइपोटेनस ओई है, तो वो तो है ही कॉमन, यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया, देखो कर दिया ना प्रूफ ओई। अब एक और लेंथ पता है कौन सी वाली कॉमन है, एक और लेंथ कॉमन है ये ओ एम और ओ एन, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये भी है। तो हम ये अभी पहले तो ये जान लो ओ एम और ओ एन क्यों कॉमन है या क्यों सेम है। भाई हमने एक हमने थ्योरम पढ़ी थी अभी जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, कि जब इक्वल कॉर्ड्स होती है, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में इक्वल कॉर्ड है, तो ये ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड है, तो जब इक्वल कॉर्ड होती है तो वो सेंटर से वो जो सेंटर है उससे इक्वी डिस्टेंस पे होती है, तो यहाँ सेंटर है तो इस पे ये इक्वी डिस्टेंस ही होगा, यानी कि ओ एम जो है सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है ए बी कॉर्ड पे, सिमिलरली ओ एन ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है सी डी कॉर्ड पे, ठीक है। तो ये थ्योरम की वजह से ये भी इक्वल हो गया।
तो अब हमने ये तो प्रूव कर दिया इन सब चीजों से कि ये दोनों जो ट्राइंगल है ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन ई। अब ध्यान रखना हमारा मेन गोल ये है, हमें प्रूव ये करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना प्रूव डेट द सेगमेंट, तो सेगमेंट ये है। तो अभी हमने इन दोनों ट्राइंगलों को, ग्रीन वाले को और पिंक वाले को, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब जैसे हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो अब आप एक चीज और कर सकते हो सीपीसीटी से। क्या कर सकते हो सीपीसीटी से? सीपीसीटी क्या कहती है, जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सीपीसीटी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ये कहता है जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जैसे इस केस में दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उनकी फिर सारी चीजें जो कॉरेस्पॉन्डिंग होती है वो बराबर हो जाती है। तो हम ये वाली चीज यानी एम ई और ई एन भी बराबर लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं नाउ एम ई इज इक्वल टू, एम ई इज इक्वल टू एन ई बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी समझ रहे हो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाय सी पी सी टी। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमने प्रूव कर दिया एम ई इज इक्वल टू एन ई। अब देखो एक और चीज, अब ध्यान से सुनो, ये जो हमारा कॉर्ड है ए बी, उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डला है ओ एम। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम क्या होता है, वो कॉर्ड को बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये ए एम इज इक्वल टू एम बी। तो हम यहाँ लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू एम बी। सिमिलरली इस वाली कॉर्ड सी डी में ओ एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हम कह सकते हैं एन डी इज इक्वल टू सी एन, एन डी इज इक्वल टू सी एन। ये हम कह सकते हैं भाई, हमें पता है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होती है वो कॉर्ड को बराबर हिस्सों में काट देती है। ठीक है, ठीक है। तो ए एम जो है बेसिकली हाफ है कॉर्ड ए बी का। सिमिलरली ए एम जो है वो बेसिकली हाफ है कॉर्ड ए बी का, और सिमिलरली एन डी भी हाफ है कॉर्ड सी डी का, क्योंकि हाफ हिस्सों में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉर्ड को डिवाइड कर देता है। तो अब देखो अभी ये जो ए एम हाफ है कॉर्ड ए बी का, इस ए एम में अगर मैं ये एम एम ई एड करूँ, ए एम प्लस एम ई, सिमिलरली इस वाले हाफ में, इस वाली कोड का एम में ले लिया मैंने और उसमें एम ई जोड़ दिया, फिर दूसरी वाली कोड का मैंने क्या लिया एन डी, ये वाला हिस्सा एन डी, और उसमें ई एन जोड़ दिया, क्योंकि बात तो ये की है ना एम ई और ई एन दोनों बराबर है, ई एन जोड़ दिया। तो ये क्या बना, ए एम प्लस एम ई क्या होता है, ए एम प्लस एम ई होता है ए ई, और एन डी प्लस ई एन क्या होता है, एन डी प्लस ई एन होता है ई डी, ई डी। तो अब आप देख रहे हो ये हमने फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर दिया, ए इज इक्वल टू ई डी, देखते जा रहे हो ना, ए इज इक्वल टू ई डी आ गया। अब देखो अभी नीचे वाला पार्ट भी होगा प्रूफ, ए इज इक्वल टू ई डी हो गया। अब इसमें से हमें क्या प्रूफ करना है, ई बी। अब एक चीज बताओ, इस ए बी पूरी कॉर्ड में से अगर मैं एम ई हटा लूं, क्योंकि एम ई और एन ई बराबर है, अभी यहां तो मैंने ए एम में एम ई जोड़ा, अब यहां मैं पूरी कॉर्ड ए बी में से एम ई हटा लूं या ए ई हटा लूं, क्योंकि ए ई आपका सेम है, तो ए बी पूरी कॉर्ड में से अगर मैं ए ई हटा लूं तो ए बी माइनस ए। सिमिलरली सी डी पूरी कॉर्ड में से, सी डी एक पूरी कॉर्ड है, उसमें से मैं डी ई हटा लूं, सी डी माइनस डी ई, तो क्या बचेगा ए बी माइनस ए। ए बी में से अगर ए ई हटाऊं तो क्या बचेगा ए बी, और सी डी माइनस डी, तो सी डी पूरा है उसमें से डी हटा दिया तो क्या बचा सी। ये देख लो ये भी आ गया, प्रूव हो गया। तो हेंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था और हमने ये दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड में प्रूव कर दिया। तो बेसिकली इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। ये क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मान रहा हूँ, मैं कह नहीं रहा इजी है, इसमें इजी मतलब कॉन्सेप्ट आपके वही है, बस ये घुमा फिरा के बहुत सारी चीजें करवा रहा है। तो अगर ये पेपर में आएगा तो आपका अच्छे खासे मार्क्स का आएगा। प्रैक्टिस करना, छोड़ने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, बोर्ड्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। देखो इन क्वेश्चंस में मेरा मकसद ये नहीं है कि करते कैसे, वो तो आप इंटरनेट पे हजारों वीडियोस पढ़ी भी है, इधर उधर बुक्स में भी सॉल्यूशन तो हर जगह मिल जाएगा। मेरा पर्पस है आपको ये समझाना कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे आप, स्टार्ट कैसे करोगे। बच्चों को समझ नहीं आता क्वेश्चन पढ़ लिया यहाँ तक हमने, अब हमें समझ नहीं आएगा कि अप्रोच कैसे करेंगे, क्या कहाँ से शुरू करें, पढ़ तो लिया क्वेश्चन। तो मैं आपको अप्रोच सिखा दूँ, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ो तो जो जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते जाओ आराम आराम से, बिना घबराए। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन भाई, देखो आराम से करेंगे बिल्कुल। लिखा हुआ है टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, तो हमें पता है दो, एक सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड है जो इंटरसेक्ट हो रही है सर्कल के अंदर ही। तो हम बनाएंगे भाई, हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल का सेंटर हुआ, तो दो इक्वल कॉर्ड बना ली, तो भाई एक कॉर्ड ये रही और एक कॉर्ड ये रही,
हमने इक्वल मान ली तो इनका नाम भी दे दिए कोड ए बी और एक कोड सी डी, ये कुल कोड बना ली। उसके बाद अगली लाइन पढ़ते हैं भाई, इंटरसेक्टोरियल इंटरसेक्टिंग पॉइंट को भी लिख देते हैं ई है, मान लो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। आगे पढ़ते हैं प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ई है, ई तो है दोनों पॉइंट का, मतलब ए बी और सी डी जहाँ इंटरसेक्टोरियल पॉइंट ई है, तो लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो भाई जो लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर रही है वो भी बना लेते हैं, यही है, तो ये सेंटर से गुजरेगी वाली लाइन, ये गुजार दी हमने, ठीक है। तो ये कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, लिखा हुआ है ना सेंटर से गुजरेगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली लाइन, तो ये गुजार दी हमने भाई ब्लू कलर से। अब कह रहा है कि हमें प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन के साथ जो कोण बनाएंगी एंगल, वो एंगल जो होगा वो एंगल इक्वल होगा, ये प्रूव करना है बेसिकली। क्या है मतलब कि अब ये बना दिया हमने, अब ये जो एंगल है मान लो इस जो कोण हमने बनाएंगे इंटरसेक्शन की, इसका नाम ले लेते हैं हम कुछ भी ले लेते हैं, एम एन ले लेते हैं, एम नहीं पी क्यू ले लेते हैं, पी क्यू। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो एंगल है जो कोण बना रही है ए ई क्यू, ये वाला एंगल, ये ए ई क्यू बराबर है, ये ए वाली ए बी वाली कोण ने बना दिया, उसके बाद ये वाला बनाएगा डी ई क्यू, डी ई क्यू, तो हमें ये प्रूव करना है बेसिकली। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया मुझे ये बताओ, ए ई क्यू ये वाला एंगल और डी ई क्यू ये वाला एंगल, तो हमें ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, तो ये ओ सेंटर है, तो इस सेंटर से हम यहाँ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे कोड ए बी पे, तो ये बना दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दूसरी बात इसका नाम दे देंगे एम, सिमिलरली दूसरी वाली कोड सीडी पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, ये बना दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एन। ये मैं एंगल का साइन हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एंगल के साइन से आप लोग कंफ्यूज जाते हैं, पहले एंगल का साइन हटाता हूँ, ठीक है एंगल का साइन हटाते हैं, एक सेकेंड, ये परपेंडिकुलर बनाई एम नाम दिया और यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाई एन नाम दिया, और हमें प्रूफ क्या करना है, ए ई क्यू बराबर है डी ई क्यू के, डीई क्यू के, क्वेश्चन समझ आ गया आई होप। अब देखो अब आप क्या करो, इन दोनों एंगलों पे फोकस करो, एक तो ये जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ ये वाला ओ एम ई, ये वाला ट्राइंगल ये जो मैंने ऑरेंज किया है, और दूसरा मैं कर देता हूँ पिंक, पिंक तो है ब्लू कर देता हूँ, ओ एन ई, इन दो ट्राइंगल पे फोकस करो, ओ एम ई ऑरेंज वाला और ओ एन ई ब्लू वाला, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो दो करते हैं हम, इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई, इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, देखो कैसे। तो हमें पता है भाई सबसे पहले तो ये ओ ई बीच वाली कॉमन है, तो ओ ई कॉमन कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी बात दोनों में राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ एम ई एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। तीसरी बात क्या भाई, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, क्यों, दोनों ही हमें ये कॉर्ड का थ्योरम पता है हमने कि इक्वल कॉर्ड्स हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो ये सेंटर से दोनों का इक्वल डिस्टेंस होगा, तो इन तीनों चीजों से आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव हो गई, और आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो यहाँ कॉन्ग्रुएंट का साइन बता देता, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए आपके, सिंपल बस क्वेश्चन खत्म है। अब ये जैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए, तो एक चीज होती है सीपीसीटी, सीपीसीटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, हर जगह यूज हो रहा है सीपीसीटी, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो जैसे दो ट्राइंगल, जैसे इस केस में दो ट्राइंगल है, जैसे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं, तो सीपीसीटी के थ्रू उन दोनों ट्राइंगलों की हर चीज बराबर हो जाती है कॉरेस्पॉन्डिंग, हर चीज। तो अब देखो ये दोनों ट्राइंगल में एम ई ओ बोल सकते हैं, एंगल एम ई ओ, ये एम ई ओ इक्वल है एन ई ओ के, एन ई ओ बाय सीपीसीटी हम ये बोल सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव ये करना था ए ई क्यू, अभी हमने प्रूव कर दिया, हमें प्रूव ये करना था ए ई क्यू इज इक्वल टू डी ई क्यू, हमने ये प्रूव कर दिया एन ई ओ इज इक्वल टू एन ई ओ, तो सेम ही तो है, एम ई ओ बोल लो चाहे एन ई क्यू बोल लो या ए ई क्यू बोल लो, यहाँ तो आ तो यहीं से रहे ना, या तो एम ई ओ बोल लो या ए ई क्यू बोल लो, एंगल तो यही रहेगा, तो बस हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, एम ई ओ की जगह हम
ए क्यू लिख सकते हैं, तो एंगल ए ई क्यू, और एन ई ओ की जगह, एन ई ओ की जगह हम डी ई क्यू लिख सकते हैं क्योंकि एंगल तो ये रहेगा डी ई। तो बस ये हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया। तो यार देखो बस हमने कुछ नहीं किया, हमने इन दोनों ट्राइंगलों को आपस में ऑरेंज वाले और ब्लू वाले को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो ये जो दो एंगल हमें प्रूव करने थे इक्वल, ये सीपीसीटी से इक्वल प्रूव हो गए। ठीक है, दोबारा सुन लेना इसको, इजी था ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्वेश्चन समझ गए, अप्रोच सीखो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिसका सेम सेंटर होता है, और जैसे ये एक सेंटर है तो ये एक सर्कल है और इसी सेंटर के साथ एक और सर्कल है, उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। नाम है ना, को को मतलब सेंटर शेयर हो रहा है, को सेंट्रिक। ठीक है, तो को सेंट्रिक सर्कल है। अच्छा, एक लाइन इंटरसेक्ट करके इस सर्कल को ए बी सी डी पे काट देती है, तो ये है वो लाइन मान लो, और वो काट रही है ए पे, यहाँ काट रही है ना ये ए, यहाँ काट रही है बी पे, यहाँ काट रही है सी पे, और यहाँ काट रही है डी पे। ये है क्वेश्चन आपका, और हमें प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी मतलब ये ए बी है और ये सी डी है, तो ये दोनों में बराबर प्रूव करना। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, ये ओ है आपका सेंटर है, तो इस सेंटर से मैं सेंटर थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझाने में आसानी हो जाए, काफी नीचे बन गया। विजुलाइज कर लो कि सेंटर यहाँ पर है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, विजुलाइज कर लेना। ठीक है, अब ये सेंटर है ओ, तो आप क्या करो, हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो कैसे प्रूव करोगे, हम ये ओ से, ये पूरी लाइन तो बड़ी वाली ई डी है, काट रही है ए बी सी डी पे, लेकिन पूरी अगर लाइन को देखें तो फर्स्ट पॉइंट ए है, लास्ट पॉइंट डी है, तो ई डी लाइन है। तो इस ए डी लाइन पे हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं ऐसे सेंटर से, और इस परपेंडिकुलर का नाम देते हैं नीचे एम। तो ओ एम परपेंडिकुलर हम डाली ए डी पे, तो ओ एम परपेंडिकुलर है ए डी पे, और हमें पता है जो परपेंडिकुलर है वो लाइन को दो इक्वल हिस्सों में बांट देती है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इक्वल हिस्से मतलब ए एम इज इक्वल टू एम डी। कोई दिक्कत, इसको फर्स्ट मान लो। सिमिलरली बड़े सर्कल में देखा तो ए एम इज इक्वल टू एम डी, अब इस छोटे वाले सर्कल में देखें तो, इस वाले छोटे वाले सर्कल में देखें तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एम, और ये इस वाली कोण को बी सी को भी बराबर हिस्सों में बांटेगी, यानी कि बी एम इज इक्वल टू एम सी, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। समझ रहे हो ना, हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब कोण पे बनता है तो वो उस कोण को दो इक्वल हिस्सों में बांट देती है। तो जब हमने बड़े वाले सर्कल को देखा तो ए एम और एम डी ये फर्स्ट लिख दिया, जब छोटे वाले सर्कल को देखा तो बी एम इज इक्वल टू एम सी। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब आप पता क्या करो, अब आप सिंपली इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो, तो ए एम माइनस बी एम, ए एम माइनस बी एम लेफ्ट हैंड साइड पे कर दिया पहले, तो राइट हैंड साइड पे भी करो, एम डी माइनस एम सी, एम डी माइनस एम सी। तो देख लो ए एम यहाँ से आता है ए एम, इसमें से बी एम माइनस करना है, यानी ये वाला माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा ए बी, तो ये हो गया ए बी। ठीक है जी, क्या बचेगा, ए बी लिख दो जी, ए बी। सिमिलरली एम डी यहाँ से आता है एम डी, ये एम डी में से एम सी माइनस करेंगे, ये माइनस कर दे तो क्या बचेगा सी डी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। अरे भाई ये तो प्रूफ करना था, इट्स प्रूफ था ना, इजी क्वेश्चन ही बता। आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझने वाली बात क्या थी, कि जब भी सर्कल के ऊपर ये मान लो कोर्ड है और सेंटर से ऐसे परपेंडिकुलर बनती है, तो वो इस कोर्ड को दो इक्वल हिस्सों में बांट देती है, मान लो ये एम है और ये ए है, ये बी है, तो इक्वल हिस्से यानी ये ए एम इज इक्वल टू एम बी। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इजी था ना ये वाला तो कंपैरेटिवली। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। थ्री गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मंदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मंदीप, मंदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड सलमा एंड मंदीप 6 मीटर ईच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदीप। कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, आराम से करते हैं। ये एक सर्कल है, ठीक है, तो यहाँ पर तीन लड़कियां खड़ी है, रेशमा, सलमा और ये मान लो मनदीप। ठीक है, और क्या रखा है कि रेशमा, और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि रेशमा
सलमा को बॉल थ्रो करती है तो रेशमा ने ऐसे सलमा को बॉल थ्रो किया, सलमा मनदीप को थ्रो बॉल करती है और मनदीप रेशमा को थ्रो बॉल करती है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और चीज रखिए कि जो जो सर्कल है इसका रेडियस है 5, तो यहाँ का पॉइंट मान लो ओ, तो ये वाला जो यही होता है रेडियस ओ एस, तो ओ एस की वैल्यू है 5 मीटर जो कि क्वेश्चन में हमारा दे रखा है, जो कि है आपका रेडियस। अच्छा जी, दूसरी बात क्या दे रखी है कि जो डिस्टेंस है रेशमा और सलमा का और सलमा और मनदीप का वो है 6 मीटर ईच, तो ये भी 6 है, आर एस और एस एम भी 6 है, यहाँ तक भी ठीक है भाई बात, 6 है ये। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, यानी ये वाला डिस्टेंस आर एम हमें फाइंड करना है, आर एम, आर एम, समझ आ गया क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन समझ आ गया आपको, और हमें पता है ये ओ एस पूरा रेडियस है जो कि 5 मीटर का है। अब आप क्या काम करो, यहां से ये जो एस है ये सेंटर से गुजर रहा है आर एम पर पेंड, आर एम एक कोड है और कोड पे ऐसे एक परपेंडिकुलर बन रही है, सेंटर से जो लाइन बनती है सीधी जाती है कोड पे वो परपेंडिकुलर होती है, तो यानी कि वो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रही होगी, इसका नाम हम ले लो एन, ठीक है। तो हमें ये पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोड को बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी आर एन और एन एम दोनों बराबर होंगे, ये ध्यान में रखना। तो हम इस आर एन को मान लो वाई मान लेते हैं इसकी लेंथ, और ये जो ओ एन है ओ एन इसकी लेंथ हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते दो, मैं आर एन की लेंथ हमने वाई मान ली और ओ एन की लेंथ हमने एक्स मान ली। अब इस हिसाब से एस एन की लेंथ क्या होगी बताओ, एस एन, एस एन की लेंथ क्या होगी, एस एन की लेंथ होगी ओ एस माइनस ओ एन, तो ओ एस माइनस ओ एन, तो ओ एस क्या है 5 मीटर और ओ एन क्या माना हमने एक्स, तो 5 माइनस एक्स, तो एस एन की वैल्यू क्या होगी 5 माइनस एक्स। तो ये सारी चीजें लिख लो, ठीक है। तो एस एन की लेंथ हो गई आपकी 5 माइनस एक्स। अब आप क्या करो, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आप इसको ज्वाइन करो, ये जो है ना ओ आर को, इस ओ आर को ज्वाइन करो सबसे पहले। ये ओ आर क्या है, ओ आर आपका क्या है बताओ, रेडियस ही तो है ओ आर भी भाई, सेंटर से सर्कल के एंड पॉइंट तक जो लाइन जाती है वो रेडियस ही होता है। तो अब आप क्या करो, हमें ये प्रूव करना है आर एम की लेंथ फाइंड करनी है, हमें ध्यान रखना आर एम ये बीच वाली लाइन। तो अब आप क्या करो, ट्राइंगल जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये डार्क कर रहा हूँ ये वाला, इस ट्राइंगल को विजुलाइज करो बस, इस वाले ट्राइंगल, कौन सा ओ एन आर, ट्राइंगल ओ एन आर को विजुलाइज करो। तो ओ एन आर में ये ओ आर कितना है, ये 5 है, आर एम की लेंथ हमने वाई मानी है और ओ एन की लेंथ हमने एक्स मानी है, तो इस पर पाइथागोरस लगाओ, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर है, तो ये राइट एंगल है, तो इस पर पाइथागोरस लगाओ। ओ आर क्या है आपका, हाइपोटेनस, तो ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर, ये होता है ना पाइथागोरस थ्योरम, प्लस आर एन का स्क्वायर, सिर्फ पाइथागोरस लगा रहा हूँ, कन्फ्यूज मत हो जाना। तो ओ आर क्या है, ओ आर हमने बताया रेडियस 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ओ एन क्या है, ओ एन की वैल्यू हमने एक्स मानी है यानी एक्स स्क्वायर। आर एन क्या है, आर एन की वैल्यू हमने वाई मानी है यानी वाई स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारी फर्स्ट हो गई, ये हो गई हमारी क्वेश्चन फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब ट्राइंगल कौन सा, दूसरा ट्राइंगल विजुलाइज करो, दूसरा ट्राइंगल आप ये वाला विजुलाइज करो, कौन सा, मैं ये जो पिंक से आप डार्क कर रहा हूँ ये वाला आर एस और एन, ये वाला, ये पिंक वाला ट्राइंगल विजुलाइज करो, दिख गया ना पिंक वाला आर एस एन। अब इस पे पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस लगाओ इस पे, इन ट्राइंगल आर एस एन, तो आर एस एन में ये अपना 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर ये हुआ आर एस, तो आर एस एन में पाइथागोरस लगाएंगे तो आर एस का स्क्वायर इज इक्वल टू एस एन का स्क्वायर प्लस आर एन का स्क्वायर। तो आर एस क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर 36। एस एन क्या है, एस एन हमने निकाला 5 माइनस एक्स, तो यानी 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आर एन क्या है, ये वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब आप एक काम करो, इक्वेशन सेकेंड में से, क्वेश्चन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, यानी इस वाली में से इसको माइनस कर दो, तो करो लेफ्ट हैंड साइड वाले को पहले माइनस, तो 36 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 प्लस 6 11 बचेगा, इज इक्वल टू ये वाई से वाई कट जाएगा, माइनस करो मैं सेकंड में से फर्स्ट, 5 माइनस एक्स स्क्वायर में से हमें एक्स स्क्वायर माइनस करना, तो इसको खोलो, तो ब्रैकेट खोलो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 10x, और इधर से ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर गया, ठीक है। तो ये 25, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, बस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 25 को उधर भेजूंगा तो कितना बचेगा,
9 प्लस 14 तो ये हो गया माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 10x, माइनस से माइनस गया तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 7/5। यहाँ से कोई दिक्कत बताओ जल्दी, x की वैल्यू आ गई 7/5, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू यानी हमें ये ON की वैल्यू मिल गई हमारी, ये वाली वैल्यू मिल गई हमें 7/5। हमें फाइंड क्या करना है, ये पूरा आर एम ये ना क्वेश्चन, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 7/5। बस आपको क्वेश्चन ये खत्म है, अब हमें x की वैल्यू तो मिल गई 7/5, अब इसी x की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट में डालें तो हमें y की भी मिल जाएगी। भाई डाल दो, मैं इसमें डाल रहा हूँ बस x की वैल्यू, यहाँ पर 25 इक्वल टू 7/5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आप इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये काम मैं आप पे दे रहा हूँ, इतना तो आप सॉल्व कर ही लोगे, तो y की वैल्यू आपकी आएगी 24/5, यानी y यानी कि आर एन की वैल्यू आ गई आपकी 24/5। और आर एन क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, आर एम, और आर एन क्या है, हाफ होगा आर एम का, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में बांट देती है, तो आर एन वाई है तो आर एम उसका डबल होगा। आर एन अगर वाई है जो कि 24/5 है तो आर एन उसका डबल होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया 48/5, और यही है हमारा आर एम की वैल्यू। अब इसको डेसिमल में लिख दो 48/5 को, क्या आएगा 9.6, तो 9.6 मीटर है रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस। तो कैलकुलेशन पाइथागोरस का काम था इसमें, ये मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को 2-3 बार देखना तभी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इजी था वैसे, बस 2 बार पाइथागोरस लग गया। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 10.4 का। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, थ्री बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। ये समझने वाली बात है, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए ऑन द बाउंड्री एंड हैविंग अ टेलीफोन इन देयर हैंड एंड टॉकिंग टू ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो भैया ये आपका एक सर्कल है जिसका रेडियस है 20 मीटर, वो तीन बंदे हैं, क्या क्या नाम है इनका, कहाँ गए अंकुर, ये लो अंकुर सैयद भाई और डेविड सर, ठीक है तीनों जी बैठे हुए, तीनों का डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि ये AS, AD और SD तीनों इक्वल है, तो यानी कि हम कह सकते हैं ये जो ट्रायंगल है ASD जो बन रहा है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तीनों की लेंथ बराबर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ये। यहाँ तक तो बात समझ आनी चाहिए आपको, और इनका जो सेंटर है जो सॉरी रेडियस है वो 20 मीटर का है, तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंटर होता है वो आपका सेंट्रोइड बनता है, तो इस सेंट्रोइड को हम मान लेते हैं जी, सेंट्रोइड को हम मान लेते हैं जी। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो यहाँ पर समझ लो थोड़ा बहुत, जब सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है तो उसका जो सेंटर होता है उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, जो ट्रायंगल का जो सेंटर होता है उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रोइड जो है जी है, और ये जो ए से जो लाइन गुजरी ये यहाँ पर मान लो ई पे काटती है, तो ये जो ई ई जो बना ये एक मीडियन है, ई जो बना ये एक मीडियन है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज और जानने वाली है यहाँ पर कि जो सेंट्रोइड है ई जी, ये जो जी सेंट्रोइड है ये आपकी मीडियन को, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ सेंट्रोइड, ये वाली चीज समझने वाली है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन रेशियो ऑफ 2:1, तो जो सेंट्रोइड है ये जी जो सेंट्रोइड है ये इस मीडियन ए ई को 2:1 की रेशियो में काटेगा, तो यानी कि ए जी अपॉन जी ई इज इक्वल टू 2:1, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ये नई चीज है। अच्छा जी, अब आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। अब आप क्या करो, सिमिलरली ये इसको भी जोड़ लो, ये भी सेंट्रोइड है ना, ये सब कटता हो जाएगा इसे, ये भी सेंट्रोइड है। तो अब आप क्या करो, एक ट्राइंगल को विजुलाइज करो, कौन सा ट्राइंगल विजुलाइज करोगे आप, ये वाला एस जी ई ट्राइंगल, एस जी ई ये वाला, एस जी ई ये वाला ट्राइंगल विजुलाइज करो, ये सेंट्रोइड से सारी लाइनें गुजर रही है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, ये इधर से गुजरेगी, इधर से गुजरेगी, इधर से गुजरेगी, और हमें पता है कि जो सेंट्रोइड है वो 2:1 की रेशियो में मीडियन ए को काट रहा है, तो ये सारी मीडियन को 2:1 के रेशियो में काटेगा, जैसे जी डी अपॉन, अगर इसका भी हम कुछ नाम दे देंगे, तो मैं नाम इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जरूरत नहीं, हम एक ही से हो जाएगा, ठीक है। मान लो इसका नाम हमने एन दे दिया, इसका नाम हमने पी दे दिया, तो जी डी अपॉन एन जी भी 2:1 होगी, सिमिलरली एस जी अपॉन जी पी भी 2:1 होगी, समझ लो ना, पर हमारा एक ही से काम हो जाएगा। तो हमें ये वाला ट्राइंगल देखना है, ट्राइंगल
SGE, इसको देखो आप, ये जो मैंने पिंक किया है। अब ये जो मीडियन सेंटर से गुजर रही है, ये इस कोड SD पे यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा होगा। ये भाई ये सेंटर है G और ये कोड है SD, इस पे इसने ऐसे लाइन बनी तो ये परपेंडिकुलर होगी। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ आप, तो SG का स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूस है इज इक्वल टू SE का स्क्वायर प्लस GE का स्क्वायर। तो SG क्या है, अब देखो आप गौर से देखना है, जी आपका क्या है सेंटर और यहां तक जा रही है लाइन, तो ये क्या है रेडियस ही तो हुआ ही है भाई। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन जाती है उसको रेडियस बोलते हैं, और रेडियस की वैल्यू क्या है 20, तो SG की वैल्यू क्या हो गई 20, तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। सिमिलरली SE, SE को हम SE भी मान लेते हैं, और GE, अब यहां से हम GE की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, क्यों, ये AG भी तो रेडियस है आपका, ये जो AG है ये भी तो सेंटर से जा रहा है और सर्कमफेरेंस तक जा रहा है, तो AG आपका क्या है रेडियस, और रेडियस की वैल्यू क्या है 20, तो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो AG की वैल्यू 20 लिखूंगा अपॉन GE इज इक्वल टू 2:1, क्योंकि सेंटर 2:1 के डिवाइड करता है। तो यहाँ से GE की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से GE की वैल्यू आ जाएगी 10, और इस GE की वैल्यू मैं अब यहाँ पुट कर दूंगा, तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। तो यहाँ से SE की वैल्यू क्या आ गई, SE स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 100 उधर जाएगा तो 300, और यहाँ से इसको और सॉल्व कर दो तो SE की वैल्यू आ जाएगी, ये स्क्वायर हट जाएगा 10√3। तो यानी कि SE जो है, ये SE, ये वाला जो एरिया है इसकी वैल्यू है 10√3। और हमें क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, मतलब AS, AD, SD, इन तीनों तारों की हमें लेंथ पूछ रहा है, लेकिन हमें पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों तारों का लेंथ सेम ही होगी, तो हम किसी भी एक तार की लेंथ अगर निकालेंगे तो वही होगी तीनों की। तो हमने एक तार की आधी निकाल ली, क्योंकि मीडियन कॉर्ड को या फिर ये सेंटर से गुजरती हुई लाइन कॉर्ड को हमेशा दो इक्वल हिस्सों में बांट देती है, तो आधा हिस्सा 10√3 है तो ये वाला भी 10√3 होगा भाई, इक्वल इक्वल में बांटेगी ना, तो जब SE 10√3 है तो ED भी 10√3 होगा, तो पूरा कितना होगा 10√3 प्लस 10√3 20√3, और यही आंसर। यानी कि हमने एक एक पूरी तार की वैल्यू निकाल दी 20√3, तो सारी 20√3 थी, और यही पूछा इसने आंसर, तो ये है इसका आंसर 20√3। समझ आ गया, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा। मैं मान रहा हूँ थोड़ा सा यार 9th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, मैं मान रहा हूँ, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। बस इसमें ये कॉन्सेप्ट याद रखो, ये जो मैं कर रहा हूँ ये वाला, कि जो सेंट्रोइड होती है, ये जैसे यहाँ सेंट्रोइड था जी, वो मीडियन को, ये मीडियन ए को 2:1 के रेशियो में काटता है। ये पता नहीं होगा तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। वैसे एक और तरीका इसको सॉल्व करने का, लेकिन मुझे ये वाला आसान लगता है और आपको आना भी चाहिए सेंट्रोइड वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।